वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे हिस्ट्री के 20 सवाल और उसका जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो सोचने के लिए समय स्टार्ट होता है अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अखबारी कागज के लिए फेमस है। सवाल नंबर 2, मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीर बख्शी। सवाल नंबर 3, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर। सवाल नंबर 4, कबीर दास ने किस प्रकार का प्रचार प्रसार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सांप्रदायिक सद्भाव का। सवाल नंबर 5, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संप्रदाय के थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चिश्ती। सवाल नंबर 6, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। सवाल नंबर 7, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने अभी तक इसे क्लिक नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके, यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तब। धन्यवाद। सवाल नंबर 7, सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, नाम बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। सवाल नंबर 8, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम मुखिया। सवाल नंबर 9, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राणा कुंभा। सवाल नंबर 10, फिरोज तुगलक द्वारा राज्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का दफ्तर स्थापित कहाँ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में 1851 में स्थापित किया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राधाकांत देव। सवाल नंबर 12, निर्ग्रंथ शब्द का
संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जैन। सवाल नंबर 13, राजकीय कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में सबसे पहले बारूद आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपों शामिल करने वाली लड़ाई कौन सी है? काफी अच्छे सवाल हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से सबसे पहले बारूद आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोप शामिल करने वाली लड़ाई कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पानीपत की लड़ाई। सवाल नंबर 15, लोधी वंश में गुलरुखी कविताएं कौन लिखता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर लोधी। सवाल नंबर 16, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुलबदन बेगम ने। सवाल नंबर 17, धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में मिलते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बुद्ध युग में। सवाल नंबर 18, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शेर खां। सवाल नंबर 19, मुगल काल में आमिल का काम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर वसूल करना। सवाल नंबर 20, मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान और कोह स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि को प्रोत्साहन देना। सवाल नंबर क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए सवाल है, यदि आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो आप भी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आपने इसके पिछले वाले वीडियो जो 25-25 की सीरीज चलती है उसको नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको वे वीडियो आई बटन पर क्लिक करते मिल जाएगा। हमारे वीडियो एक बार जरूर आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पे शेयर कर दिया कीजिए। और दोस्तों, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आप रोजाना 100+ प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, करंट अफेयर्स के भी आपको क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे, आपको मन होता है कि नहीं हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, हमें बायो पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, नहीं हमको कोई अदर सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर पढ़ना है, जैसे कि आपको
बुक एंड आर्थर से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। ऑल सब्जेक्ट को कवर करते हुए हम चल रहे हैं, जो आपका जनरल स्टडीज का सिलेबस है। तो आप वहाँ से देखिए, रेगुलर रहिए, कम पढ़िए बट रेगुलर पढ़िए, सफलता जरूर आपको मिलेगा, आप सफल जरूर होइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।